फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमेजन। आज हम बात करेंगे एक छोटी कंपनी के बारे में जो कि गवर्नमेंट की मिनी रत्न है और हाल ही का IPO है और इस स्टॉक की चर्चा काफ़ी जोरों शोरों में है और काफ़ी लोगों को लगता है ये मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी को इसके अंदर अलॉटमेंट मिला है काफ़ी क्वांटिटी में शेयर्स। 99 लाख शेयर्स उन्होंने अप्लाई किया IPO में और उन्हें मिला। ये तो पता चलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न आने के बाद ही, लेकिन चर्चा ज़रूर चल रही है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड, हाल ही का IPO है, 2-4 दिन ही हुआ है। और इसका अगर लो देखेंगे तो 18.65 इस रुपए के ऊपर IPO खुला और 19.90 का इसका हाई है। तो अगर आपने अलॉटमेंट मिला है या आपने मार्केट रेट पे ख़रीदा है तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ग्रो होगा लेकिन टाइम लगेगा। गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे इनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, रेवेन्यूज़ वो भी आएंगे ओनली रेलवे से ही इनके आएंगे, लगभग बाहर कहीं से आने वाले नहीं हैं। तो लिमिटेड वो ही सेक्टर के ऊपर ये जो है फोकस्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके पास स्टॉक है या ले रखा है तो किसी भी उछाल के अंदर आपको 30% भी अगर मिलता है या 50% रिटर्न मिलता है, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए और फिर नीचे के रेट पे आपको लेना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टॉक चलेगा ये एक फ्लैट ही चलने वाला है, लगभग 3% 4% भी बढ़ा तो 1 रुपये 1.5 रुपये 50 पैसे 70 पैसे ऐसे करके ही ये बढ़ेगा स्टॉक। टाइम ज़रूर लगेगा इस स्टॉक को ग्रो होने में, लेकिन जब बढ़ेगा कंटिन्यूस बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग करना काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं, चर्चा चालू है मार्केट में कि राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी इस स्टॉक के अंदर है, उनको भी अलॉटमेंट मिला है। लेकिन जैसे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे तभी इसमें पता चलेगा। तो आज इसी के बारे में बोला था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। चलिए, थैंक यू।